नमस्ते मेरे बहनों भाइयों, ग्राम ठीकड़दा, तहसील हिंडोली, जिला बूंदी और आज इस विद्यालय के अंदर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 15 से और 18 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीन लगाया जा रहा है, कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो हमारी मेडिकल की टीम यहां पर आ चुकी है और ये सब बच्चे वैक्सीन लगाने के लिए वेट किए हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए हैं और ये इनके गुरुजी हैं। ये गुरुजी भी इनके पास में बिल्कुल मुस्तैदी से बैठे हुए हैं और ये यहां पर सभी ने मास्क लगा रखा है। अब मैं आपको एक एक दो दो बच्चों को रूबरू करवाता हूं। बेटा खड़े होइए, क्या नाम है आपका? किसने कहा आपसे ये वैक्सीन लगाने के लिए? हमारे क्लास अध्यक्ष। जोर से जवाब दीजिए, डरे मम्मी? कक्षा टीचर ने कहा आपसे, और आपके माता पिता ने भी कहा? हाँ। बैठ जाइए। आपका क्या नाम है बेटा, खड़े होइए? शिवानी सैनी जी, आप ये बताइए कि आपको डर तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं। शाबाश। आप खड़े होइए, क्या नाम है? संध्या शर्मा। लगाने के बाद आप क्या करोगी? घर जाओगी, यहाँ रुकोगी? यहाँ रुकोगी। आपको इस बात के लिए समझाया गया कि आधा घंटा यहाँ रुकना है आपको? वेरी गुड। आप खड़े होइए बेटा, आपको खाना खा के आने के लिए कहा था कि किसी ने? हाँ। मेरी तरफ देखो, कहा था? हाँ। आप रोटी खा के आई हो? हाँ। वेरी गुड। आप खड़े होइए बेटा, क्या नाम है आपका? निशा वर्मा जी, आप ये बताइए कि ये आपके लिए फायदे का टीका कैसे है? इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वेरी गुड। सबसे बढ़िया जवाब आपने दिया है कि इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो कोरोना का जो वायरस है वो हमें अटैक नहीं करेगा। वेरी गुड। आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? कैसे पता लगा आपको कि आज यहाँ पर टीका लगाना है? टीचर ने बोला था। आपको डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। क्या संदेश है आपका ठीकड़दा के बच्चों के लिए जिन्होंने टीका नहीं लगाया है, क्या कहना चाहती हो? टीका लगवाएं। वेरी गुड। आपका क्या नाम बेटा, खड़े होइए? प्रियंका जी, आप ये बताइए, आपको डर लग रहा है? नहीं लग रहा है, खुशी लगाओगी? थैंक यू वेरी मच। अब मैं इन बच्चों का लेने के बाद में, ये इनके गुरुजी हैं, तो इन गुरुजी से आपको रूबरू करवाता हूँ। हाँ सर, क्या शुभ नाम है? सर संतोष कुमार महावर। संतोष कुमार जी, आप ये बताइए कि आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है तो किसने ड्यूटी लगाई है? सर ये ड्यूटी क्या है, सभी यहाँ पर जितने भी क्लास टीचर्स हैं सबको पहले से ही हमने बता दिया है और सभी बहुत जागरूक है, अपना अपना काम सब देख रहे हैं। क्लास टीचर्स अपने क्लास के बच्चों को 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को चिन्हित करके उनका सारा रिकॉर्ड उन्होंने पूर्व में ही तैयार कर लिया है, मेंटेन करके रखा है, ताकि जैसे ही कोविड टीम यहाँ आए तो उनको सारा के सारा रिपोर्ट सुपुर्द कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, आप जवाब दे रहे हो, यू आर गुड स्पीकर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इन बच्चों के माध्यम से पूरे देशवासियों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे बच्चे भी यहाँ जितने हैं सब बहुत उत्साहित है और सब इस बात को जानते हैं कि कोविड का जो वैक्सीन लगाया जा रहा है इससे इनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इनसे बात कर रहा था तो सभी बच्चे मुझे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे और मैं यही संदेश देना चाहूंगा तो जितने भी बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष के वो सभी इस वैक्सीन को लगवाएं ताकि जितना भी कोविड से होने वाला नुकसान है, जो शरीर को होने वाला नुकसान है, जो भी क्षति पहुंचने वाली है, उससे हमें बच सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके। थैंक यू वेरी मच। अपने आप को सुरक्षित रखे, समाज को सुरक्षित रखे और देश को सुरक्षित रखे। बैठिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और बच्चों, जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनको भी आप मोटिवेट कीजिए, अपने मोहल्ले में जाके बताइए और अपने सभी बच्चों को, सभी भाइयों को इस बात के लिए मोटिवेट कीजिए कि ये जो वैक्सीन लगाया जा रहा है ये वैक्सीन नुकसानदायक नहीं है। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आने को तैयार है, अगर आपके वैक्सीन लगा हुआ है तो आपकी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपके इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा भी तो कम होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरा वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।